हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग ऑन माय चैनल गुरु बॉन्ग एंड दिस इज डोना सरकार। आज मैं निकली हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग राइड पे। मैं हूँ इस जगह पे जो कि है डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी, जो कि बोलते हैं बादू पार्क के नाम से जाना जाता है। ये जो बाइक है आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग और इतना एक्साइटिंग बाइक है ना, मुझे तो देख के मज़ा आ गया। और ये सब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। नियॉन कलर, व्हाइट कलर, ये सब KTM बाइक देख के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। गाइस, मैं ना थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहती हूँ। मैंने ये जिंदगी में KTM में पहली बार बैठा है, राइडर का सीट होता है ये, पहली बार बैठा है। और मैं सोचा कि थोड़ा सा चलाने में बाइक चलाना है, लेकिन उसको बाइक खाना नहीं आता। क्या बोलता है वो, एलिस मेरे को स्टार्ट करना है बाइक, तो मैंने स्टार्ट कर सकती। रुको, बिचारी गाड़ी खाना नहीं आता, चल बेटा तू था खींचने से ये कुछ नहीं होगा। क्या तुम बाइक चलाएगा? अरे बाइक नहीं चलाएगा, हम बस ऑन करेगा। अच्छा, ऑन करेगा ना, अंदर का हाँ ये छोड़ दो। और तुम ये सेल फोन 2 सेकंड का दबाओ, दो दो कोई बात नहीं, आगे नहीं जाएगा, गियर में नहीं है ना अभी। ओके ना, मेरे को बाइक इतना ही तक चलाना आता है, बस चाबी को घुमाया और स्विच को दबा दिया, बस इतना ही तक। बस अच्छा अभी कम है ना, बड़ा है, 100 था ना, कम गया अभी ना। अच्छा अच्छा हुआ है ना, कम गया है, वही तो बोल रही हूँ मैं आपको, पहले कम था अभी बढ़ गया है ना। हाँ तुम्हारा चूल इतना मस्त है, इतना उठा उठा, माय गॉड, पूरा योर स्टाइल। सवाल का जवाब दो कि इतना गर्मी में ये जो शर्ट पहना, ये गर्मी में ऐसा क्यों, बाप रे इतना मोटा है रे, क्यों पहना? मुझे पता नहीं था घर के बाहर ऐसा वेदर है, तब बाहर निकला गरम के मारे मेरा हालत खत्म हो रहा है भाई। अब उड़ रहा है, हम उड़ उड़ के जा रहे हैं गाइस, इतना सुंदर खतरनाक रास्ता है ना, मजा आ गया इस रास्ता में राइड लेके। इतना ज्यादा बढ़िया रास्ता है ना, जब भी ऐसा जंपिंग होता है ना, मैं स्कूटी का आधा इंच ऊपर उठ जाती हूँ, ऐसा हो रहा है। सो के उठे हैं इसीलिए, इसीलिए वो शॉक्ड हो गया कि तुम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई न्यूज चैनल रिपोर्टर आ गया, अंकल शॉक्ड हो गए। गूगल पे नहीं है आपके पास, ऑनलाइन पेमेंट नहीं रखता आप? क्यों नहीं, इसका हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है बोलो ना? नहीं है, समस्या है। क्यों नहीं समस्या? आपका अकाउंट में डायरेक्ट घुस जाएगा पैसा? हमारा अकाउंट नहीं है। आपका बेटा है? नहीं है। बेटी? हाँ। बेटी को बोलो प्लीज मेरा फोन में एक जीपे, फोन पे भी पेटीएम वगैरह डाल देने के लिए, इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा? ऑनलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन पेमेंट का जमाना इतना इजी है। एक लाख का माल लेगा? एक लाख का माल, इतना सारा ये सब बेच के तो 1 लाख आ जाएगा आराम से। एलिस इनको भी लेके चले जाओ। इतना गर्मी में आप फैन वैन नहीं लगा के कैसे काम करते हो आप? इतना गर्मी है यहाँ पे है ना, वो दुकान पे तो फैन चल रहा है, आपके दुकान में कोई फैन वगैरह क्यों नहीं है? आप देखो तो, आप इतना गर्मी में, पंखा कहाँ है आपका, ये है ना,
थोड़ा पंखा यूज करती हूँ, इतना गर्मी है। ऐसा मेरे को ना मेरा मामा का घर याद आ गया। छोटा में हम लोग जब छोटे थे तब अपना मामा का घर में हम लोग जब जाते थे, कोई भी वेकेशन हो हम लोग अपने मामा के घर में चले जाते थे जो कि लामडिंग में है, और वहाँ पे ऐसा पंखा ऐसा ऐसा कर करके आप ही के जैसे दादू था हमारा, दादू ये लोग हमारे साथ आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, हमको ऐसे चला चला के उड़ा उड़ा के लेके आए, और रास्ता ऐसा ऐसा है ना तो हम भी ऐसे स्कूटी जंप करते हैं ना, हम भी ऐसे उठ जाते हैं स्कूटी के ऊपर, ऐसा होता है। और आपके साथ बैठ के ना मुझे अपना दादू वाला फीलिंग आ रहा है, मतलब दादू दीदा होता था ना हम लोग, अभी तो है नहीं, भगवान के पास चले गए हैं तो वैसा। और मैं अपना एक दोस्त के साथ बात करते रहती हूँ, हाँ तो वो दोस्त भी मेरे को बोलते रहते हैं अपना दादू के बारे में, मतलब कुछ भी बोलो बोलते हैं कि दादू, मतलब आजकल के बच्चे लोग जोक मारते हैं ना दादूर बियानी एंड ऑल दैट लाइक दैट, मतलब आपको पता है ना दादूर बियानी, दादूर बिया लग से ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बदमाशी करते हैं ना, तो वैसा दादू के बारे में बोलते रहते हैं अच्छे थोड़ा बहुत, जैसे हंसी मजाक और जोक मारते रहते हैं, खराब नहीं अच्छा ही बोलते हैं, तो वही तो दादू हमेशा मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं आजकल, और आपको देख के वैसा मतलब फील आ रहा है मुझे। अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका नाम बताइए। बीबी दे। बीबी दे, नाइस नेम, थैंक यू सो मच। अच्छा हो आपका सब बिक्री हो जाए, आपका 1,00,000 का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना, सही है, थैंक यू। हाय दीदी, आपका यहाँ पे आके मुझे सच में अच्छा लगा, क्यों पता है आपको, क्योंकि इतना गर्मी में हमको, हम लोग जो आए आप धूप देखो इतना तेज धूप दे रहा है, और आप इतना स्वेटी हो रहे हो, फिर भी आपने हमको इतना प्यार से पानी पिलाया ना, ये इसमें जादू है ऐसा फील हो रहा है मुझे। मेरे को लगा ये बहुत बड़ा होगा, बड़ा सा होगा पेंट, पर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा छोटा ही है, मेरे को मैं छोड़ा है ना, शायद मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कैप लग रहा है क्या, कॉमेंट से बताओ गाइस कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, बट थोड़ा सा पतला है लेकिन अच्छा है, आराम से मेरा शक्ल दिख रहा है क्या यहाँ से, मेरे को मोबाइल दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं कपड़ा है, बहुत पतला कपड़ा है। कितना है प्राइस आंटी? 250 कम डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा आप बताओ ना, 200 ऑनलाइन में 150 में मिल रहा है ये सब, 99 में मिल जाता है डिस्काउंट में कभी कभी, सच में नहीं ठीक है। वैसे आप लोग इतना कष्ट करके ऐसे लेके आते हो, कहाँ से लाते हो वैसे? दिमापुर ना, मैं बोलने वाली थी दिमापुर से लेके आते हो, अच्छा लेकिन मेरे को ना दिमापुर जाना है, विजिट करना है दिमापुर, मेरे को दिमापुर विजिट करना है गाइस प्लीज। पाकिस्तान आंटी ऑन फायर, आंटी ऑन फायर। तो गाइस सामान ले लिया है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, और आप मुंह में घुसा देता है मुंह में, पानी हो गई आंटी। और वैसे क्या पूछ रहे थे? क्या कुछ नहीं, क्या जो पूछ रहे थे, पाकिस्तान में गया था। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो चीज है ये है पपाया सामान, पपाया एंड हनी सोप, जो कि है पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाला नहीं है, पाकिस्तान बर्मा का है, और ये चाइना का माल है, ये भी बर्मा का है, बर्मा का। ये व्हाइटनिंग नाइट क्रीम है गाइस, अगर आपको गोरा बहुत ज्यादा गोरा होना है तो आप जरूर ये लगा सकते हैं। फेवरेट मिल गया जो कि है पान गाइस, एलिस का फेवरेट इज पान, ये क्या है, बांग्ला पतीना क्या, मीठा पतीना, कौन सा पान, खसिया पान है, ये खसिया पान है गाइस, दिस इज खसिया पान, खसिया पान। अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बांग्ला पती, मीठा पती एंड खसिया? बांग्ला पती है बांग्ला स्वाद होता है उसमें, मीठा पती में मीठापन होता है, और ये खसिया पान शिलोंग से आता है, तो शिलोंग में खसिया लोग ज्यादा है इसलिए खसिया पती। क्या क्या कुछ भी क्या, इसका दांत दिखाओ, ये इतना सुंदर है, एलिस ही सुंदर है। हाँ बकवास मत करो, पान कितना है, बनारस पान दीजिए तो, बनारस पान हाँ, पान नहीं है, ये क्या है, तांबूल है, ये बेचने का पान है, जैसे कि ये एक पून कितना है, 10 रुपया ना, खुशी एक खुशी का रुपया है ना, तो मैं ये कर रही हूँ, एक इधर से एक निकाल दो ऐसा करके, ठीक है, तो ये सुपारी का दाम कितना है, 10 रुपया, तो इस सुपारी को 20 से काट के 2 पीस निकाल दो, तो कितना हुआ, 5 रुपया, हाँ सिंपल। प्रैंक हो गया, हाँ एक अंकल का दिमाग घूम गया, क्या हो रहा है आज, किसे पकड़ लेके ऐसे चुन ऑल ऑफ दी बदे बेसी नहीं दी बच्चों, ये तुम्हें चुनो खाने की, अरे यार जो इंसान पान नहीं खाता ना वो इंसान इंसान नहीं, फालतू यार इतना गर्मी क्यों है, मैंने गेंजी एक था वन पी लॉन्ग पर हाफ पैंट एक था वन पी नांगी था, स्पेशली गिफ्ट गिफ्ट
अंकल का खुशी देखो, इतना खुश है, सरप्राइज हो गया ना देख के। मतलब गेंजी लो, गेंजी छीन लो, वो गेंजी के एक बार चीरा लांग था, सुन लो एक बार चीरा लांग था, खाली एक बार भाई से मना कर रहा है मेरा गिफ्ट लेने से। ओ माय गॉड, शर्ट शर्ट चॉय ओ चॉय पहनता है, मींस ट्रेडिशनल वांग है दी आयरलैंड चॉय वांग। अरे गाइस मैंने गलती कर दिया, मेरे को लाना चाहिए था कार्बी ट्रेडिशनल जो चॉय होता है, मैंने सोचा गर्मी होगा तो ये लेके दूंगी तो इसको अच्छा लगेगा, लेकिन उनको तो पसंद ही नहीं आ रहा है। नाइकी का ब्रांडेड है, अब देखो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये सिंबल इस नाइकी का ब्रांड है। ये फुर्सत नहीं है, पसंद नहीं है। ये बरमूडा का है, ये देखो ये जो आपसे सिंबल दिख रहे हैं बरमूडा का है, ये देखो फुटबॉल खेल रहा है, ये बास्केटबॉल खेल रहा है। ये अच्छा लगा, ये हमको अभी क्या करना है, चेस करना है। इसका कपड़ा उठा के दे दो अंकल को, इसका कपड़ा खोल के दे दो, ऐसा शर्ट चाहिए आपको, ऐसा शर्ट चाहिए, यही वाला दे दो ना ओपन करके, देने से आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा। वाओ, तो ये दोनों आपको पसंद नहीं आया फिर भी रखना पड़ेगा। यार आज तो अलग ही मूड है उनका, क्योंकि क्योंकि आज गुस्सा है, क्योंकि बिचारे $1 $2 में 15% मिलता है। अच्छा एक सिगरेट का दाम कितना है, सिगरेट का दाम कितना है, नहीं पैकेट नहीं, एक एक सिगरेट का दाम, एक का सिगरेट का ₹10 है ना, तो एक एक ₹15 से तो सिर्फ एक सिगरेट ही आएगा, तो उसमें क्या ही इतना प्रॉफिट है। मतलब ये कपड़ा जो है मेखेला जैसा लगता है, इसीलिए आप नहीं पहनते हो, तो उसको अलग बोलना चाहते, ऐसा नहीं बोला स्वाली बिला को हिसाब और मैंने स्वाली बिला तो मेखेला पहन दी बोला, उनका बोलने का मतलब ये है। अच्छा अच्छा नहीं बुझी लो ना, मैंने कहा इस बात क्या, जैसे कि आजकल क्या होता है, लड़कियां भी जींस पहनते हैं लड़के भी जींस पहनते हैं ना, तो वही है कि जब लड़का जींस पहनते हैं तो लड़की उस पे भी जींस लड़की भी क्यों पहनेगा, मतलब लड़की का अपना ड्रेस होता है लाइक मेखला ना, स्वाली बिला को ड्रेस मेखला हो, स्वाली बिला के मेखला पहनी बोला गया मैंने फूर मोते, किंतु आजकल जमाना बहुत आगत गुस्सी गोल नहीं मान रहा कि हाफ पैंट लॉन्ग पैंट पहनते हैं। गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड, कैसा लग रहा है, हाय कितना सुंदर, मॉडर्न वर्सेस एंशिएंट, मॉडर्न वर्सेस एंशिएंट, वाओ इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, ये वाला फोन मेरा भी था पहले, इतना क्यूट है। दादू ने अभी ये बोला कि ये एलिस का जो ये फोन है एक्सचेंज करने लेने के लिए, एलिस का फोन उसको देने के लिए, और ये वाला फोन एलिस लेके जाएगा। इसका ग्लास दिखाओ, किंग किंग क्या किंग 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 फीचर का आधा काट के से बना, ओह क्या स्टाइलिश ग्लास बनाया ना, क्या मजा, इतना स्मार्ट। एक ग्लास का दाम देखो, एक ग्लास का कितना, 120 प्राइस है ना, ओ माय गॉड, इतना रिच पीपल, माय गॉड, औकात ही नहीं है, औकात अरे यार इनका डामी ग्लास गिरा दिया, हमको जेल में घुसा दे। राइट नाउ आई एम इन डोंका, एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंसान से मिलने के लिए, और उनके जो झोंकी वाला घर है उनके साथ मिलके एलिस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए वो फिर से वापस कुछ गिफ्ट देने के लिए मेरे को वापस लेके आ गई है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इनके साथ मिलकर अच्छा लगा, इतना अच्छा इंसान है। इसमें एक ट्विस्ट है, जो कपड़ा हम लोगों ने लेके आया वो कपड़ा इनको पसंद नहीं आया, जो कि एक गेंजी और एक एक बारमूडा, हम लोग वापस जा रहे हैं साथ, तो हम सो कन्फ्यूज, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डिपो पहुँच गई, कहाँ कहाँ पहुँच गई, तो हम लोग अभी मैं तो रुका में हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ वापस उनको चाहिए ऐसा कपड़ा, ये वाला कपड़ा उनको बहुत पसंद आया, तो ऐसा वाला कपड़ा खरीद के लेके जा रहे हैं, तो वही लेने के लिए वापस मजा से हुआ ना, अच्छा लग रहा है, इतना स्टैंडर्ड लग रहा है सच में, इतना सुंदर लग रहा है आप,
आपको अच्छा लग रहा है पहन के? खुशी हो रहा है आपको? हाँ क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कमेंट्स में बात बताओ आप लोग, अगर गाइस आपको समझ में आ रहा है तो। ये मेरा दोस्त है, स्कूल फ्रेंड। मेरा ढका हुआ था मुंह, मैंने एकदम देखा ही नहीं और ऐसे चिल्लाया ना, मैं सोचा ओ माय गॉड ये कौन है, तो डर गई, मैं तो डर गई पूरा। और मजा आया देख के, इतना दिनों के बाद, इतना सालों के बाद। हाउ आर यू बाय द वे? आई एम फाइन। या ऐसा इंसान से मिली हूं ना जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप इंसान है, जो खुद का जो ट्रेडिशन है, अपना ट्रेडिशन है पहले जमाने का, वही फॉलो करके वो अभी तक जीते रहे हैं। वो बहुत ही गाँव एरिया में रहते हैं, जो कि डोंका बहुत ही अंदर में रहते हैं, और एक छोटे से छोटे घर में वो रहते हैं, तो उसी घर में वो और उनका बीवी रहते हैं। तो वो अपना एकदम ट्रेडिशनल जो बाइक होता है ना, वही फॉलो करके आज तक जीवित रह रहे हैं। आज तक इतना मॉडर्न जमाना है, जमाना बदल गया है, वो बिल्कुल फॉलो नहीं करते। जो हम लोग ऐसे नया नया कपड़े पहनते हैं, एक और शॉपिंग होते हैं ना, लोग नया नया कपड़े खरीदते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। तो वो अपना एक जो लंगोटिया होता है ना, लंगोट होता है ना, वही पहनते वो आज तक रह रहे। वो बोला कि जब शर्ट का जो प्राइस 3 रुपीज़ था ना, तब से वो शर्ट जो मैंने छोड़ा है ना, तो आज तक उन्होंने कभी ऐसा कपड़ा पहना ही नहीं है, वो बस लंगोट पहन के अच्छी तरह अपना दिन का गुजारा कर रहे हैं। इतना इंटरेस्टिंग लोग थे, इंसान से मुलाकात हुआ तो बहुत अच्छा लगा। जानती है ना, मैं तो घर से इतना निकलती हूँ, जब निकलती हूँ ना इतना एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, तो मज़ा आ जाता है ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें देख के। तो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हो कि मेरे तक पहुँचे, आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रूबी बॉम, और ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। What is this dish called? बैम्बो काट के बॉइल करके स्पाइस थोड़ा मसाला वसाला डाल के बनाया है ना, तो ये और एक उठा के खाओ तो देखो तो कैसा है, बताओ। हाँ, हाँ, तुम खाओ तो टेस्ट करो तो कैसे बताओ तो मेरे को। इधर आओ, सामने आओ, कैसा है? बहुत झाल है। कैसा है इधर देखो, कैसा है, टेस्टी, झाल, स्पाइसी, मीठा, तीता, कड़वा, वो सही एक्सप्रेशन, इतना झाल है क्या? ओ माय गॉड, ये ग्रीन ग्रीन पत्ता क्या है? लंच पार्टी है, प्लीज थोड़ा बता दो। एलिस पूरा थक चुकी है, मैंने बनाया बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत करके इसने नहीं बनाया। मतलब बात करते हम जब टुमरे में थे, यस, मैंने बोला ही था घर पे कि कोई आ रहा है बोल के, तो मेरे पापा को कॉल किया, पापा हम चार लोग आएंगे जल्दी जल्दी खाना बनाओ, तो पापा ने ये देखो ये भाजी किया, दाल बनाया, और ये चिकन जो मतलब बना था, इसलिए ये मेरा भाग का है, तो मैंने अंधेरे में सोचा ये फिश है, ऐसे उठा उठा था ना, मैं सोचा ले जाए, और ये मैंने सोचा प्याज कोली आलू भाजी बनाया, पर ये बीन्स है एंड ये दाल है, और ये जो डिश है मेरे को ये खाने का बहुत ज्यादा मन है। ये तो बैम्बो शूट से बनाया हुआ बॉयल का कुछ सब्जी है, तो